जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज पटना आएंगे और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो आप तस्वीर देखिए। जदयू के नेता है रामचंद्र भारती वो और रणवीर सिंह है यहाँ पे उनसे मौजूदगी में मैं बात करूंगा। रणवीर सिंह पंकज क्या तस्वीर देखिए, रणवीर सिंह पंकज एक पोस्टर जो है श्री राजीव रंजन ललन सिंह तो बिहार आगमन पर हार्दिक अभिनंदन बधाई है। रणवीर सिंह पंकज है तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लगातार पटना की सड़कों पर पटना कहा जाए तो पोस्टरमय हो गया है ललन सिंह के स्वागत को लेकर एक बड़ी संख्या में। हमको लगता है कि जब से हमने देखा है पहली बार इस तरह की नज़ारा देखने को मिल रहा है स्वागत को लेकर। देखिए मैंने तो बड़ी कम उम्र से मैंने राजनीति किया हूँ, आज हमारी उम्र भी इतना 70 के लगभग हो गया है। मैंने बहुत सारे पार्टियां का और मैंने जदयू का भी मैंने देखा हूं, लेकिन आज जो इनकी स्वागत हो रही है भव्य स्वागत हो रही है जैसे मालूम हो रहा है कि पूरे पटना उमड़ गया है। इस तरह की इनकी स्वागत हो रही है एयरपोर्ट से लेकर के जदयू ऑफिस तक ला पूरा पटा हुआ है बैनर वगैरह से और सारे लोगों से भीड़ से। मैं समझता हूँ कि ये आज से नहीं, इनको मैं जान रहा हूँ ये जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी रहे हैं, उन लोगों के नेतृत्व में इन्होंने काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये संगठन का बहुत अच्छा काम करेंगे, संगठन मजबूत होगी इनसे बिहार में और पूरे देश में मजबूत होगी। अगर तो जदयू ने यह तय किया है कि पूरे देश में हर स्टेट में मैं चुनाव लड़ूँगा और मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में हर स्टेट में चुनाव होगा, संगठन मजबूत होगी हर स्टेट का। अब बिहार के तो ये हैं ही, बिहार का तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्होंने काम किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं सब और ये पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इनकी ये पीरियड जो है बहुत अच्छा रहेगा और यही नहीं बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए अच्छा रहेगा जदयू का। रणवीर कुमार पंकज जी है ये तस्वीर जो पटना में देखी जा रही है इसको लेकर आप लोग भी एक बड़ी हुजूम स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। देखिए तो पहले तो हम बता देते हैं कि हमारे जो राजीव रंजन सर ललन बाबू हैं हमारे क्षेत्र के वो सांसद भी हैं, हम बाढ़ से आते हैं और ऐसे तो वो पूरे देश के नेता हैं पूरे प्रदेश के नेता हैं और हम लोग का जब से हम लोग के लिए बहुत ऐतिहासिक पल रहा जब हम लोग सुने कि हमारे ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो हम लोग को उसी दिन से खुशी का माहौल था और आज हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं पटना में। वो पहली बार जब अध्यक्ष बने तो पहली बार पटना आ रहे हैं, अभी 2 बजे फ्लाइट है उनका, पहली बार पटना आ रहे हैं उसके लिए आज पूरा पटना आप देख सकते हैं कि कैसा ऐतिहासिक, शायद हम लोग अपने जीवन काल में इस टाइप का अभिनंदन कार्यक्रम हम नहीं देखे थे, अब वो आपको भी आप भी दे सकते हैं। आज उसी के लिए हम लोग सैकड़ों की संख्या में हज़ारों की संख्या में यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं सर के आवास पे यहाँ पे जुटे हुए हैं, आज इसी रास्ता से आना है हमारे माननीय सांसद महोदय अध्यक्ष महोदय को और हम लोग यहाँ पे उनका स्वागत वंदन और नंदन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इनके नजदीक में संगठन कितना मजबूत होगी क्या उम्मीद? देखिए हम लोग जहाँ तक जानते हैं हम तो देखे हैं कि जब से समता पार्टी जब से बना है, जब से नीतीश जी हमारे ये समता पार्टी का जब स्थापना किए जॉर्ज साहब से या और बहुत सारे लोग थे तो वो एक पिलर यानी ललन बाबू के रूप में भी थे, चाहे जैसे भी वो मजबूत किए हैं और उनके कार्यकाल में हम सिर्फ बिहार में नहीं हम लोग ऐसा मानते हैं कि पूरे देश में ये जेडीयू पूरा एक तरह से नेशनल पार्टी बनेगा, अभी तो ये क्षेत्रीय पार्टी लेकिन पूरा नेशनल पार्टी बनेगा और हर स्टेट में यहाँ का विधायक होगा और हम लोग एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप लोग हम ललन बाबू जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जेडीयू का नेतृत्व उनको करने का मौका मिला है। नाराजगी नहीं है? नहीं नाराजगी क्या, सब लोग में उल्लास कहा जा रहा था कि कुशवाहा इसको लेकर की नाराजगी है। नहीं तो जिनको नाराजगी होगा उनसे पूछिए ना, हम लोग को तो बहुत उत्साह है। हम लोग चलिए ललन बाबू के क्षेत्र से हैं इसलिए काफ़ी उत्सुक है। ये यही नहीं पूरे पटना की तस्वीर आपको दिखाई किस तरीके से बैनर पोस्टर के जरिए स्वागत भव्य कार्यक्रम जो है बहुत कहा जा रहा है।